ये हालत था, ये देख ले। मैं तो इमरान खान साहब और वजीर आला साहब से गुजारिश करता हूँ कि आइए हमारे सुई को तरक्की दीजिए, क्योंकि ये देखो ये कच्चे सड़क, कौन कहता है कि यहाँ पे कोई सड़क बना हुआ है। जो बजट में ऐलान होते हैं वो कहाँ इस्तेमाल होते हैं, ये कीचड़ है। ये देखो सारा सुई शहर आपको ये मनाजर मतलब पेश करवा रहे हैं। ये देखो, ये देखो भाई लोगों, ये है हमारा सुई बलूचिस्तान। ये यहाँ से सिर्फ 8 से 10 मिलीमीटर बारिश हुई है, लेकिन ये 8 से 10 मिलीमीटर बारिश ने ये पूरे जो ना शहर को कीचड़ बना के रख दिया है। यार हमने आप लोगों को सोना दिया है, हमने आप लोगों को रेकोडोक दिया है, हमने आप लोगों को गैस दिया है, लेकिन ये हाल है देखे, ये कीचड़ देखे, ये पूरा शहर कीचड़ का नज़ारा जो है ना वो पेश कर रहा है। यहाँ पे मतलब कोई भी गिर सकता है। ये मोटर बाइक से आज जो मैं जलील हो गया हूँ ना, तो मेरे से जो ना सब्र का वो बस ख़त्म हो गया है। मैंने कहा कि चलो बता दें इमरान खान साहब, वज़ीर आला बलूचिस्तान से अपील है कि ये देखो ये सारा ये हमारा सुई शहर है, देखो 8 से 10 मिलीमीटर की बारिश ने ये हाल कर दिया है। ये देखो सड़क तो शायद आप लोगों को नजर ही नहीं आ रहा, सारा कीचड़ है। यार आप लोग अगर बजट देते हो किसको देते हो, किसके हवाले करते हो? जो बजट वहां पर इस्तेमाल ना हो तो क्या फायदा? ये अभी 8 से 10 मिलीमीटर बारिश ने मतलब पूरे सुई को ऐसा कीचड़ बना के रख डाला है। तो मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि आइए, अगर आप लोग जो बजट देते हो किसको देते हो, जाके उनसे पकड़ो, उनसे सवाल करें, उनसे उनका हिसाब करें कि हर साल जो बजट आता है वो कहाँ इस्तेमाल होता है। ये सुई का हाल तो ये है, क्योंकि हमने आपको गैस दिया है, हमने जो ना वो सीपैक जैसे प्रोजेक्ट आपको दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर बलूचिस्तान ऐसा हो, सुई ऐसा हो, तो सवाल तो बनता है इमरान खान साहब, और उस सवाल का जवाब भी हमें दीजिए कि आखिर क्यों, कब तक इस कीचड़ पे हम ऐसे जलील होते रहेंगे? ना बुनियादी सहूलियतें हैं। हर गली हर सड़क आप लोगों को कीचड़ नजर आ रहा है। देखो मैं पूरे शहर का आप लोगों को विजिट करवा रहा हूँ, इतना बड़ा कीचड़ है। ये देखो ये शहर में रखा हुआ है। अगर इस्लामाबाद लाहौर ऐसा हो तो मैं तो यही कहूँगा कि शायद एक दो दिन में वहाँ को जो है ना सब कुछ क्लियर करके रख देंगे, लेकिन ये सुई है यहाँ आप लोगों को कुछ शायद दिखाई नहीं देता है, या आप लोग जानबूझकर ये सब कुछ करते। क्योंकि जो इमरजेंसी में आज मैं अस्पताल गया हूँ ना, मुझे अपने बच्चे का जो ये दांत का मसला था वो चेकअप करवाया, जिस तरीके से अगर मैं जलील हो गया हूँ ना, अगर वो आप लोग होते ना तो शायद कुछ ना कुछ ज़रूर करते।